नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करेंगे कोरोना लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कोरोना की 14 तारीख को है वो मुख्यमंत्री प्रदेश की कैबिनेट बैठक है, उसमें कोरोना बंदिश को लेकर चर्चा की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना से ही हम आपको बताएंगे कि किस तरह से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, किस जिले में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस आ रहे हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको हमारे चैनल पर इस तरह की स्कूल न्यूज एंड लेटेस्ट न्यूज मिलती रहेगी। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पिछले 15 दिनों के भीतर जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो एक्टिव केस जो है वो 1100 के पार। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हिमाचल में कोरोना पैर पसारने लगा है धीरे धीरे। तो 15 दिनों के भीतर 1100 के ज्यादा मामले सामने आए हैं कोरोना के। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पिछले कुछ 3-4 दिनों में जो है वो कोरोना से मौतें भी बढ़ गई है, यानी कि कोरोना से मौतें भी अब स्टार्ट हो गई है, कोरोना से अब मौतें भी हो रही है धीरे धीरे, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। बाकी जो है वो 3 माह बाद जो है हिमाचल प्रदेश में 28 जून को 120 केस आए थे। मैं आपको बता देता हूँ, पता होना चाहिए, ठीक है, कि 3 माह बाद यानी कि 28 जून को आपके हिमाचल प्रदेश में 120 केसेस आए हैं, ठीक है। बाकी अभी आगे जो है कैबिनेट बैठक है 14 जुलाई को, उसमें आपको निर्णय लिया जा सकता है। जो प्रस्ताव बनाया सरकार ने, प्रस्ताव में रखा है कि फिर से मास्क पहनना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, जैसे कि स्कूल कॉलेज अस्पताल सार्वजनिक स्थानों पर आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, मास्क का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे पहली थी बंदिश फिर से वैसे लागू की जा सकती है, अभी फाइनल नहीं है, ठीक है। अभी ये प्रस्ताव बनाया गया है जो कि सरकार रखेगी हिमाचल कैबिनेट की बैठक में, जो कि 14 जुलाई को है। तो 14 जुलाई को स्कूल और कॉलेजों पर विचार किया जाता है। अभी तो स्कूलों में समर वेकेशन, स्कूलों में अभी छुट्टियां चली है समर वेकेशन की 28 या 29 जुलाई तक, तो अभी तक तो वहां पर स्कूल बंद रहेंगे, ठीक है। अभी आगे क्या रहेगा, क्या स्थिति आती है, अगर कोरोना बड़ी तेजी से फैल रहा है, वैसे तो फैल रहा है, अगर कहीं बड़ी हद कहीं कोरोना बहुत बढ़ जाता है तो आपके फिर से स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाएंगे, ठीक है। उसमें मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, अलग से अपडेट आपको दे दूंगा कि स्कूल कॉलेज बंद होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो कोरोना धीरे धीरे बहुत पैर पसारने लगा है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे ज्यादा केसेस कहाँ आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा केसेस जो है कौन से जिले में आ रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे ज्यादा जो है वो कांगड़ा, ऊना, शिमला, हमीरपुर और मंडी से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। ये 5-4 जिले हैं जिसमें ज्यादा केसेस आ रहे हैं। पिछले जैसे एक हफ्ते पहले चंबा में सबसे ज्यादा केस आए थे, 98 केस आए थे चंबा में, ठीक है। तो कांगड़ा, ऊना, शिमला, हमीरपुर, मंडी में कोरोना के लगातार केस जो है वो बढ़ रहे हैं। तो आप भी सतर्क रहिए, मास्क का प्रयोग कीजिए, ऐसे नहीं कि जब कोरोना आएगा तभी आप मास्क पहनिएगा, नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, ठीक है, हो जाएगा। जैसे पहले शादियों में 50% से क्षमता से अलाउड था, वैसे ही हो जाएगा फिर से, मास्क पहनना अनिवार्य हो जाएगा, शादियों में 50% आना अनिवार्य हो जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। अब पता नहीं कि 14 तारीख को क्या क्या डिसीजन लेंगे हमारी कैबिनेट बैठक। तो इस वीडियो में इतना सही, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो कमेंट करना, वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी स्कूल न्यूज से रिलेटेड कुछ अपडेट आता है सबसे पहले आपको टेलीग्राम बताया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।